आदरणीय केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री श्रीमान पुरुषोत्तम रूपाला जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान संजीव कुमार वालियान जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन जी, हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, भारत सरकार की सचिव अलका उपाध्याय जी, सभी राज्यों के आदरणीय मंत्रीगण में नाम लूँगा तो पुरुषोत्तम रूपाला जी को समय कम मिलेगा। सभी गणमान्य अतिथिगण, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी, विभिन्न राज्यों के आए हुए सभी अधिकारी, सभागार में उपस्थित किसान बहनों भाइयों, देवियों सज्जनों और मित्रों, आज जम्मू कश्मीर के लिए ये अत्यंत सौभाग्य की बात है कि वर्ल्ड मिल्क डे मनाने के लिए देश के कोने कोने से आए गणमान्य अतिथियों को देखने का, उनके स्वागत करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इस वर्ष के वर्ल्ड मिल्क डे उत्सव के आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का चयन करने के लिए भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के आदरणीय मंत्री श्री रूपाला जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जब हमारे मुख्य सचिव बोल रहे थे तो उन्होंने थोड़ा जिक्र किया, मित्रों 25 मई को टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग G20 देशों की ख़त्म हुई। जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन होना ये देश के लिए तो प्रसन्नता की बात ही है। मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो लगातार ये कोशिश करते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसे परेशानी पैदा की जाए, उनको एक बड़ा सबक मिला है। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये सच है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी निभाई, और इसके पीछे जो मुख्य कारण है, 2019 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक बदल प्रारंभ हुई, उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। विभिन्न क्षेत्रों में जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं जम्मू कश्मीर ने, उसके कारण आवाम का विश्वास प्रशासन में और भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी में बढ़ा। मुझे याद है 2001 में यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड मिल्क डे बनाने की परंपरा शुरू की थी। उस समय मैं देश की संसद में था और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सभी डेयरी फार्मर्स, श्रमिक बंधुओं, डेयरी मैनेजर्स और वैज्ञानिकों से अपील करते हुए एकता की भावना से ग्लोबल कंपटीशन में हिंदुस्तान को नई ऊंचाई पर ले जाने का आह्वान किया था। न सिर्फ फूड के महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में या न्यूट्रिशन के रूप में, बल्कि दुनिया भर में 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों की आजीविका के रूप में भी डेयरी सेक्टर ने अपनी महत्ता स्थापित की है। जब मैं 2001 से पिछले 22 सालों की डेयरी सेक्टर की यात्रा को देखता हूँ तो एक बड़ा परिवर्तन स्पष्ट रूप से नज़र आता है। आज भारतवर्ष में डेयरी सेक्टर न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने में, बल्कि देश भर के लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। ऐसे अनेक किसान भाई हैं जिनके जीवन में डेयरी ने सिर्फ अतिरिक्त आय, एडिशनल इनकम की व्यवस्था नहीं की, बल्कि पूरे परिवार को भी रोजगार से जोड़ने में मदद की है। मुझे विश्वास है यह 2 दिवसीय सेमिनार डेयरी सेक्टर से संबंधित
हमारी नॉलेज को समृद्ध करके कोलैबोरेशन के माध्यम से बेस्ट प्रैक्टिसेस तथा प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। साथियों, मैदानी इलाके में कहावत बड़ी प्रसिद्ध है, देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आए इसलिए मैं इसको उद्धृत करना चाहता हूँ। तीन पैत खेती दू पैत गाय, यानी रोजाना खेत की तीन बार सेवा करना चाहिए और गाय की कम से कम दो बार सेवा होनी चाहिए। खेत और गाय जो एक किसान परिवार का सहारा है, उसकी जितनी इंसान सेवा करता है उससे दुगनी सेवा खेत और गाय इंसान और उनके परिवारों की करता है। ये कहावत शायद इसलिए भी प्रसिद्ध हुई क्योंकि हमारा वैदिक समाज मुख्यतया पशुपालन पर निर्भर था। समाज का जो संपन्न आदमी होता था उस जमाने में उसे गोमत कहा जाता था। उससे ऊपर जो अनंत गायों का स्वामी होता था उसे गौपति कहा जाता था। ये हमारी पुरानी वैदिक परंपरा में ये शब्द है। समाज की समृद्धि इस बात से नापी जाती थी कि कौन कितने गायों का मालिक है, स्वामी है। और अगर ऋग्वेद की मैं चर्चा करूं तो अनेक स्थानों पर ये जिक्र है कि समाज की समृद्धि और खुशहाली की नींव डेयरी और खेती पर ही टिकी हुई है। साथियों, इन ऐतिहासिक बिंदुओं पर नज़र डालना इसलिए भी आवश्यक है कि तब से लेकर आज तक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों में इन दोनों सेक्टर्स का योगदान आज भी उतना ही प्रभावी है जितना प्राचीन काल में था। और कोरोना महामारी के दौरान तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश ने अनुभव किया और दुनिया ने अनुभव किया। बाकी सेक्टर्स की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन अगर भारत को किसी ने संभाला, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को संभाला, तो यही सेक्टर था। मैं समझता हूँ कि दुनिया के अनेक ऐसे देश हैं जहाँ डेयरी सेक्टर न सिर्फ बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है बल्कि मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने अन्य पारंपरिक इंडस्ट्रीज की तुलना में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि 2014 में भारत की राजनीतिक शब्दावली में ही केवल बदलाव नहीं हुआ बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब बागडोर संभाली, अलग अलग सेक्टर्स को नई गतिशीलता देने के लिए व्यापक पैमाने पर नई योजनाएं बनाई गईं। उनके इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सौंपते वक्त डोमेन एक्सपर्ट्स की सहायता ली गई। इस अभियान में डेयरी सेक्टर का रोल भी बड़ा महत्वपूर्ण था और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है उनके मार्गदर्शन में और रूपाला जी के नेतृत्व में मिल्क प्रोडक्शन में लगभग 51% की वृद्धि हमारे देश ने दर्ज की है। ये 2021-22 का आंकड़ा है, अलका जी ने उसको बताया। और देश के हर नागरिक को गर्व है कि आज भारतवर्ष न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है बल्कि ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में लगभग 24% हिस्सा आज भारत का हो गया है। ये हम सबके लिए, सब भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। साथियों, अब मैं थोड़ा जम्मू कश्मीर का जिक्र करूंगा। हमारे यहाँ की 70% आबादी कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों पर अपना जीवन यापन करती है। मोटे तौर पर 13 लाख से ज़्यादा परिवार हैं और जिनका जीवन यापन एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ पर निर्भर करता है। अगर वर्कफोर्स की मैं बात करूँ तो 50% वर्कफोर्स हमारी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में ही काम कर रही है। अगर ये मैं कहूँ कि हमारा लाइव स्टॉक सेक्टर, विशेष रूप से डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर जीडीपी के मुख्य इंजन के रूप में काम कर रहा है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरी की पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर अगर हम नज़र डालते हैं तो एक महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर सामने आता है कि यह सेक्टर इंडस्ट्रियल एवं सर्विस सेक्टर को भी गति प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जहाँ ग्रामीण समुदायों का उत्थान करने के अलावा हमारी कृषि व्यवस्था
एक ऐसे इकोसिस्टम को मजबूत करने का काम कर रही है जो समग्र विकास की हमारी प्राथमिकताओं में अहम रोल अदा कर रहा है। मुझे आज एक बात का अफसोस होता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने और उद्यमिता को बढ़ावा देने की अपार क्षमता के बावजूद 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में लाइव स्टॉक सेक्टर उस हद तक प्रमोट नहीं किया गया, मैं कहूँ कि उपेक्षित था। लेकिन 2019 के पश्चात इस सेक्टर को रिवाइव करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और हमारे किसान भाई बहनों ने भी मेहनत करके इस सेक्टर को रिवाइव करने में बड़ी मदद की है। लाइव स्टॉक सेक्टर के बजट को 3 गुना हमने कर दिया, एक बड़ा कदम था और इस सेक्टर को शिखर तक ले जाने के लिए हर कोशिश जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। लाइव स्टॉक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना, एकीकृत फीड और चारा विकास योजना, एकीकृत भेड़ विकास जैसे लाभार्थी उन्मुख योजनाओं की शुरुआत जम्मू कश्मीर प्रशासन ने की है। 2020 में 3 दशकों के अंतराल के पश्चात ऑस्ट्रेलिया से 420 उच्च वंश वाली मेरिनो भेड़ का हमने इंपोर्ट किया है। इस कदम का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में मटन उत्पादन को बढ़ाना है, ऊन की गुणवत्ता में सुधार करना है और इन ब्रीडिंग जैसे मुद्दों को भी एड्रेस करना है। आज भी लगभग हर साल आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1125 करोड़ रुपए की 10 से 15 लाख भेड़ बकरियों का इंपोर्ट जम्मू कश्मीर कर रहा है। 2022 में न्यूजीलैंड के साथ हमने एक एमओयू किया है और न्यूजीलैंड की साझेदारी में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ किसान भाइयों की आय में भी सुधार किया जा सके। नीतिगत सुधारों की वजह से जम्मू कश्मीर के किसान भाई पिछले 3 वर्षों में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गए। कुछ लक्ष्य लेकर के हम काम कर रहे हैं और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पिछले वर्ष देश के शीर्षस्थ कृषि वैज्ञानिकों की अध्यक्षता में एक अपेक्स कमेटी का गठन किया गया था जिसमें देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिक, हमारे दोनों कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, प्रोग्रेसिव फार्मर्स और किसान बोर्ड के हमारे सदस्य इसमें शामिल हुए और काफ़ी मेहनत करके उन्होंने एक होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर के लिए तैयार किया। जब प्रेजेंटेशन हम लोगों के सामने हुआ तो जो समिति के अध्यक्ष थे, कभी वो बिहार योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, आप में से कुछ मित्रों को मालूम होगा कि एक समय था जब बिहार की एग्रीकल्चरल ग्रोथ लगभग 11-12% 3 साल तक रही। उस समय जो उन्होंने इंटरवेंशन प्रपोज किए थे बिहार में, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साहब हम पैसा नहीं दे पाएंगे, केवल एक इंटरवेंशन के लिए उन्होंने धन दिया था। इस योजना में 29 प्रोजेक्ट या 29 इंटरवेंशन उस कमेटी ने प्रपोज किया है। जो हमारा बजट है उसके अलावा 5013 करोड़ रुपए, जो बड़े राज्य हैं, धर्मपाल जी को 5013 करोड़ रुपया बहुत छोटा लग रहा होगा क्योंकि वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन जो छोटे राज्य या जो संघ राज्य क्षेत्र यूटी के लोग हैं उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि जम्मू कश्मीर के लिए 5013 करोड़ रुपये का महत्व क्या है। मैं खुद भी चिंतित था कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, मेहता जी और हम चर्चा किए तो तय किया गया कि बाकी सेक्टर्स में कटौती करनी पड़ेगी तो करेंगे, लेकिन 5013 करोड़ रुपया तो जरूर देंगे। और मैं आभारी हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रूपाला जी का विशेष रूप से आभारी, क्योंकि बिना CSS के सहयोग के तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो कुछ हमने मांगा था मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है और अपनी ओर से जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर की आवाम की ओर से मैं रूपाला जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मांगा था उससे ज़्यादा रूपाला जी ने हमें दिया। अब इस योजना की जब स्वीकृति प्रदान की गई तो उसके बाद
एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के अपने सभी अधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया और वो कार्यक्रम 3 महीने चला। मैं आपको एक छोटी घटना बताता हूँ। राजभवन में एक हमारे अंडर सेक्रेटरी एक ऑफिसर है, उसकी पत्नी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती है, तो मुझसे तो बेचारा बात नहीं करता, अपने साथियों से उसने कहा कि एग्रीकल्चर वाले पता नहीं क्या करती हैं कि जब मैं घर पहुँचता हूँ तो मेरी बीबी 29 प्रोजेक्ट की चर्चा करती है, बराबर भाषण देती है। मैंने मैं इसलिए इसका जिक्र किया कि हमारे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के जितने भी हमारे अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, आज वो किसी विषय पर कुछ भी बता सकते हैं, ये कोशिश हमने की है। उसके बाद अब किसान संपर्क अभियान, हर पंचायत में 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम हम चला रहे हैं, और जिस तरह से किसानों की भागीदारी हो रही है, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसका प्रतिफल हमें दिखाई पड़ेगा। हम क्रिटिकल डेटा भी तैयार कर रहे हैं। 13 लाख में से 2,62,000 परिवार ऐसे हैं जो मार्जिनल फार्मर हैं। हमारी सबसे प्राथमिकता है कि इन मार्जिनल फार्मर्स को, रेन फेड एरिया है, तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर के कोशिश की जा रही है। और मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूँ, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये पूरी प्रोजेक्ट पूरे दस्तावेज मैंने उन्हें दिखाया था, और मैं मानता हूँ कि एक बहुत ट्रांसपेरेंट और व्यवहारिक पॉलिसी जम्मू कश्मीर ने बनाई है। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ राज्य अब हमारी पॉलिसी का नकल भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि अगले 5 साल में इन प्रोजेक्ट को हम जमीन पर किसानों के सहयोग से सही मायने में उतारना चाहते हैं, और प्रोडक्टिविटी के साथ साथ एक्सपोर्ट बढ़े, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर सस्टेनेबल भी हो, और उसे कैसे कॉमर्शियल स्वरूप प्रदान किया जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। 3 लाख कमजोर और छोटे सीमांत किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने, उनके जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लगभग 3 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, 19,000 से ज़्यादा नए एग्री एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, 2.5 लाख से अधिक किसान भाई और युवाओं को अब स्किल डेवलपमेंट, केवल ट्रेनिंग नहीं कराएंगे बल्कि उन्हें सर्टिफिकेट भी देंगे, ताकि हमारा पूरा इकोसिस्टम मजबूत हो सके। और बड़ा कंजर्वेटिव अनुमान के साथ मैं कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हमारी जो ग्रोथ होगी 5 साल बाद, वो 11 से 12% जरूर होगी, उससे नीचे नहीं होगी, ज़्यादा होगी। और GDP में लगभग 65,700 करोड़ रुपए की वृद्धि हम कर पाएंगे। अब मैं होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में डेयरी का विशेष ध्यान हमने रखा है। जैसा अभी बताया गया आपको कि आज हमारा प्रोडक्शन जो है लगभग 26 लाख मीट्रिक टन के आसपास है। जब मैं आया था तो मिल्क डेफिसिट एरिया थी, अब हमारे पास दूध की कमी नहीं है, और मैं आश्वस्त हूँ कि इस प्रोजेक्ट के बाद हमारे पास काफ़ी सरप्लस मिल्क होगा। इस परियोजना को पूरा जब हम 5 साल में करेंगे तो 7.56% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेयरी सेक्टर में, और लगभग 8.5 लाख लीटर सरप्लस मिल्क जम्मू कश्मीर पैदा करेगा। हम चुनौतियों को भी जानते हैं, और फॉडर की कमी हमारे पास है, उसका भी इस परियोजना में हमने ध्यान रखा है। फार्मिंग एक्सपेंसेस डिमांड्स करती हैं हमारी इमीडिएट अटेंशन, और फॉडर में भी हम 80% आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस चैलेंज को हमने स्वीकार किया है। जो रणनीति हमने बनाई है वो वैज्ञानिक है, आबादी लगभग 2.3% की वृद्धि हर साल हमारे यहाँ हो रही है, और इस वृद्धि के आधार पर भी 920 ग्राम दूध हर व्यक्ति को मिले, इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। 3 मेजर इंटरवेंशंस हैं डेयरी के सेक्टर में,
प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, चिलिंग प्रोसेसिंग कैपेसिटी इन्हांसमेंट एंड वैल्यू एडिशन विद इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेसिबिलिटी। आज प्रोसेसिंग की क्षमता हमारी 1 लाख से बढ़कर अब 2 लाख के आसपास हो गई है। 5 लाख लीटर हम अगले 3 साल में कर लेंगे। इसके अलावा भी कोऑपरेटिव सेक्टर ने एक नई क्रांति जम्मू कश्मीर में पैदा की है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसके कारण भी निश्चित रूप से हम बेहतर स्थिति में होंगे। हमारी प्रतिबद्धता है डेयरी सेक्टर को आगे ले जाने की। रूपाला जी का मैं विशेष आभारी हूं कि जब सचल चिकित्सालय पशुओं के लिए देश में शुरू हुआ तब भी उन्होंने जम्मू कश्मीर को ही चुना और यहीं से आकर के सचल चिकित्सालय आज अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के पायलट लॉन्च में भी जम्मू कश्मीर को उन्होंने शामिल किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव स्टॉक सेक्टर को रिवाइव करने में निश्चित रूप से हमें सहायता मिलेगी। अंत में वर्ल्ड मिल्क डे के अवसर पर मैं डेयरी उद्योग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सभी डेयरी फार्मर्स एंटरप्रेन्योर्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनकी अथक मेहनत को नमन करता हूँ। और माननीय मंत्री जी, दोनों राज्य मंत्रीगण, राज्यों के आए हुए सभी आदरणीय मंत्रीगण, भारत सरकार के सभी अधिकारियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और ये मेरे लिए या हमारे पूरे प्रशासन के लिए ये सौभाग्य का अवसर है कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए। आदरणीय मंत्री जी से मैंने चर्चा की है, कल जम्मू कश्मीर प्रशासन आप सब लोगों के लिए कुछ आयोजन करेगा। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब थोड़ा समय निकाल करके उसमें जरूर आएं। अंत में मैं अपने किसान भाइयों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको नमस्कार करते हुए बात खत्म करता हूं। और ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर अब बहुत आगे निकल गया है। वो जगहें जिन्हें दूसरे कारणों से देश जानता था, वो शोपियाँ हो, पुलवामा हो, वहाँ तिरंगा यात्रा में 10,000 नौजवान भारत का तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये बदलाव जम्मू कश्मीर ने पिछले 3 सालों में देखा है। मैं समझता हूँ कि जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है जम्मू कश्मीर के लिए, हम सब उसके लिए संकल्पित हैं। और निश्चित रूप से केवल जम्मू कश्मीर भारत के साथ एकीकृत नहीं होगा, बल्कि विकसित भारत में भी जम्मू कश्मीर का अपना महत्वपूर्ण योगदान होगा। उस दृष्टि से हम सब काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।